तो नज़ारे कुछ ऐसे हैं, पैंगोंग लेक की स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ से, जो कि 40% इंडिया में है। और क्या व्यू है यार, क्या व्यू। और हमारा ट्रैगलर यार, ट्रैगलर लग रहा, ट्रैगलर और आर्मी के झंडे लग रहे। व्यू देखो यार, ये है कितना एकदम, बिल्कुल ब्लू पानी है, ब्लूइश पानी एकदम। हम लोग पैंगोंग ना रुकते हुए हम लोग सीधे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ मान विलेज है। मान विलेज में कोई नहीं आता, तो मान विलेज की अभी जो झलकी है मैं आपको दिखाता हूँ। मान विलेज यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर लास्ट मैक्सिमम, इतना, इससे ज़्यादा नहीं है। तो लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आते हैं और यहीं रुकते हैं, और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो हम इससे भी बहुत ही अच्छी जगह रुकेंगे, तो आपको ले चलते हैं वहाँ पे। तो पैंगोंग लेक पे काम चलता हुआ और हम लोग ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो ये है पैंगोंग व्यू, और क्या नज़ारे है यार। देखो यार, पहली बार मैं पैंगोंग के साथ साथ, पैंगोंग लेक के साथ साथ राइड कर रहा हूँ। अभी तो हम थोड़ा दूर हैं, थोड़ी देर में हम बिल्कुल पास हो जाएंगे और ज़्यादा, जैसे ही मान ले जाएगा। तो पहले फ़ोटो वोटो खिंचवाते, वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद फिर चलेंगे नाश्ता करने। भाई आगे ले जाओ, आगे 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 आगे, यहाँ नीचे से, नीचे से लेके जाओ। यहाँ से पत्थर के ऊपर ले जाते ना, नीचे से ही, यहीं से ऊपर। अरे नीचे से, नीचे से, हाँ निकल जाएगी। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, और वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और व्यू देखो यार, क्या व्यू है यार। थोड़ा सा पीछे जाओ, ये मेरे पीछे पैंगोंग लेके हम लोग हैं मान विलेज में। तो कुछ शुरुआत ऐसी हुई आज, हम लोग तांगसे गांव में रुके हुए थे, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से 20-25 किलोमीटर और आ गए पैंगोंग, और पैंगोंग से 20-25 किलोमीटर और आ गए मान विलेज। तो बेटर है कि मान विलेज जाओ, 20 किलोमीटर है पैंगोंग से, जहाँ से पैंगोंग स्टार्ट होती है। और व्यू बहुत ही ख़तरनाक है भाई यहाँ, बिल्कुल देखो, हम लेक के पास है, ना ज़्यादा भीड़ भड़का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और भाई का तो क्या एकदम व्यू आ रहा है, अपनी क्या मशीन लग रही, दोनों मशीनें क्या प्यारा एकदम। तो बस इसी के नज़ारे देखने के लिए भाई काफ़ी दूर से आए, और इससे भी काफ़ी आगे 200-300 और किलोमीटर और आगे जाएंगे चीन के बॉर्डर की तरफ। तो बस एंजॉय करो नज़ारे।
चलते हैं यहाँ से कुछ फुटेज लेने के बाद, और बस पेंगोंग लेक को यहाँ से मान विलेज को अलविदा कहते हैं, और आगे फिर देखते हैं शायद लेक के साथ साथ हमारी बाइक चलेगी आगे से, क्योंकि आगे रूट कुछ ऐसा ही है। तो फिर निकले भाई यहाँ से। तो अभी कहाँ का प्लान है फिर अपना? फिलहाल हम मिरक में स्टे करेंगे, मतलब स्टे होल्ड करेंगे, और वहाँ हम लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो गाइज ये जो सीन है ना पेंगोंग का, ये कोई नहीं दिखाता, हमने दिखाया भाई, कोई नहीं दिखाता, और मिरक भी हम दिखाएंगे आपको पूरा शानदार। और आज हमारा प्लान है चुसुल तक, चुसुल से आले तक का प्लान है, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, नेक्स्ट व्लॉग में पर करते हैं। और बहुत अच्छा है भाई यहाँ का व्यू, और पॉजिटिव वाइब्स, बहुत अच्छी वाइब्स है। और जो ये पहाड़ दिख रहे ना पहाड़, इन पहाड़ों के जस्ट पीछे ही चाइना स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा मान गाँव है, और ये आगे से घूम के वापिस से वो लेक के साथ साथ हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आके और ज़्यादा पानी क्लियर हो गया, बिल्कुल देख तो इतनी हाइट से दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। और आई थिंक आगे से लेफ्ट जा रही है लेक, और हमें आगे से राइट में लेना है, और काफ़ी गाड़ियाँ नीचे होके जा रही है, तो शायद हमें भी नीचे होके ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं रूट कहाँ से बीच में से नीचे उतर रही है। और काफ़ी लोग कह रहे थे कब्जा हो गया पेंगोंग लेक पे, जो इंडिया के पास पे कब्जा हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेक है। हम लोग करीब 40 से 45 किलोमीटर तो हम लोग पेंगोंग, जहाँ से हमारे इंडिया पेंगोंग स्टार्ट हुई वहाँ तक, तो हम वहाँ से हम यहाँ आ गए, तो यहाँ तो कुछ ऐसा दिखा नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो हमें आर्मी वहीं रोक लेती, तो सब फेक है। और चलते हैं नीचे उतर के, वहाँ से सीधे जाएंगे फिर स्ट्रेट। शायद वहाँ रोक रखी है क्या बाइक? प्राइमरी हेल्थ सेंटर चुसुल मेडिकल। तो ये हम यहाँ करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, हाँ फ्रंट है क्या? ब्रेड ऑमलेट मैगी, ये बटर परांठा भी नहीं है, प्लेन परांठा। अरे वहाँ रुके नहीं पीछे तुम, ठीक है ज़्यादा तो ही खाना। एक मैगी ले लो और वो ले लो ऑमलेट, हैं ऑमलेट मैगी भी नहीं है, मैगी है, दोनों कर दो, एक एक ब्रेड ऑमलेट कर लो फुल फ्राई थोड़ा सा, और मैगी कर दो प्लेन मैगी, ठीक है बैठे बाहर ही बैठ जाए। ये गांव कौन सा है? गांव क्या नाम? मिरक, अच्छा मिरक नाम है उसका रेस्टोरेंट का आपका? ये रेस्टोरेंट है पीसफुल है, पीसफुल रेस्टोरेंट, नाम पीसफुल है। यस, तो अभी हम है पीसफुल रेस्टोरेंट में, और यहीं पे हमने ब्रेड ब्रेड नाश्ता वास्ता किया है। तो सारे भाव आए, सारे भाई आए तमिलनाडु से, तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से चुसुल की तरफ। तो चुसुल करीब है, चुसुल 24 चुसुल 24 है, और चुसुल से फिर आगे जाएंगे हम लोग सीधा हानले। तो व्लॉग की एंडिंग यहीं पे, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हानले, तो हानले का दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। ये है सीन चुसुल का, जहाँ से हम लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं ब्लैक में, 140 रुपये पर लीटर है। और ये देख सकते हो सारे भाई, सारे मतलब ऑलमोस्ट TN के हैं तमिलनाडु के भाई लोग। पास का नाम काकसंगला पास, चुसुल से जब ऊपर आते हैं हम भाई हानले की तरफ, हम लोग माहे विलेज क्रॉस करके नियमों वाले रोड पे आ गए, और यहाँ से करीब करीब 19 किलोमीटर और है। और यार ब्यूटी इतनी प्यारी लगी कि मैं रुक गया यहाँ पे, क्योंकि माउंटेन्स के कलर देखो सब चेंज है, और शायद ये BRO वाले हैं जो काम करते हैं वहाँ, खेलते हैं बच्चे छोटे छोटे। और यार यहाँ का व्यू देखो यार, क्या कलर, मेहरून है क्या पता क्या बोलते हैं इसको, इधर ब्लैक है, लेक है नीचे।